सलमान खान नंतर आता शाहरुख खानला सुद्धा धमकी देण्यात आली. शाहरुख खान याला फोनवरून धमकी देण्यात आली. फैजान नावाच्या व्यक्तीने हा धमकीचा फोन केला. सूत्रांची ही माहिती मिळते, पोलिसांकडून धमकी देणाऱ्याचा कॉल ट्रेस केला जातो. धमकी देणारे व्यक्ती छत्तीसगडचा रायपूरचा रहिवासी. पोलिसांचं पथक आता रायपूरला रवाना झालंय. धमकी प्रकरणी बांद्रे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झालाय. सध्या पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. सविस्तर माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी अंकुर त्यागी यांच्याकडून. अंकुर, सलमान नंतर आता शाहरुख खानला सुद्धा धमकी देण्यात आली, नेमकं काय घडलं? देखिए, फिलहाल एक FIR है जो बैंडा पुलिस स्टेशन में फाइल कर दी गई है. अब उसके तहकीकात की गई है, कॉल ट्रेस किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य का जो कैपिटल है रायपुर, वहाँ कॉल ट्रेस किया गया है. रायपुर पुलिस की मदद से पता चला है कि फैजान नाम का कोई शख्स है जिसने ये धमकी भरा कॉल किया था. उसको हिरासत में लेने की इस वक्त कोशिश की जा रही है. टीम मुंबई पुलिस की वहां गई भी है. पुलिस ये भी आकलन करना चाहती है कि क्या ये मिसचीफ है या ये एक सीरियस थ्रेट कॉल के तौर पे इसको देखा जाए. बैकग्राउंड क्या है फैजान का, ये तमाम चीजें हैं जिन पे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है. धन्यवाद अंकुर या सगळ्या माहितीसाठी. तर शाहरुख खानला सुद्धा आता जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आणि सध्या पोलिसांचा या सगळ्या प्रकरणी तपास सुरू आहे.